What's up guys, कैसा चल रहा है? आज मैं आपको दो ट्राइसेप एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो करने से आपके ट्राइसेप्स 100% ग्रो करेंगे। आपके आर्म्स का जो ज्यादा बड़ा हिस्सा होता है वो आपके ट्राइसेप्स होते हैं, तो अगर आपको अपने आर्म्स ग्रो करने हैं तो प्लीज अपने ट्राइसेप्स को इग्नोर मत करो। और अगर आप अपने ट्राइसेप्स को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो महीनों से या सालों से और नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर आपके पास कोई फिटनेस रिलेटेड सवाल है तो आप मुझे वहां पर डीएम कर सकते हो, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। शुरू करने से पहले मैं आपको ट्राइसेप्स के बारे में थोड़ा बता देता हूं। आपके ट्राइसेप्स के तीन पार्ट होते हैं, लैटरल हेड, लॉन्ग हेड और मीडियल हेड। अब इन तीनों में से आपका जो लॉन्ग हेड रहता है वो आपके आर्म के पीछे रहता है और ये आपके ट्राइसेप्स का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो आपको अपने वर्कआउट में इस पार्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब जैसा कि मैंने बोला था, ये दोनों एक्सरसाइज काफी है। इस वर्कआउट में आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। दोनों एक्सरसाइज के तीन सेट लगाने हैं 10 से 12 रेपिटेशन के, और जब आपके तीनों सेट पर 12 रेपिटेशन आसानी से जाते हैं तब आपको अगले टाइम वेट बढ़ाना पड़ेगा। ये जो दो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके ट्राइसेप्स की लॉन्ग हेड पर ज्यादा फोकस करेंगी ताकि वो जल्दी ग्रो कर सके। तो चलते हैं पहली एक्सरसाइज पर। ये एक्सरसाइज हम इंक्लाइन बेंच पर लेट कर करेंगे और एक टाइम पर सिर्फ एक साइड को ट्रेन करेंगे। इससे हमारा माइंड मसल कनेक्शन बढ़ेगा और हम फोकस कर पाएंगे, और क्योंकि हम एक टाइम पर एक साइड को ट्रेन कर रहे हैं हमें डंबल्स का इस्तेमाल करना होगा। तो अपने बेंच को एक या दो स्टेप ऊपर लेकर अपने हाथ में डंबल पकड़ कर लेट जाइए। अब वेट को आप कंट्रोल कर धीरे से नीचे लाइए, और ये करते हुए एक बात ध्यान में रखें कि आपका पूरा हाथ नीचे आना चाहिए। ये सोचो कि आप अपने हाथ को अपने पीछे की जेब में डालना चाह रहे हो। इससे आपको अपने लॉन्ग हेड पर यानी इस एरिया पर बहुत ज्यादा स्ट्रेच महसूस होगा। वहां एक सेकंड होल्ड करना है और फिर धीरे से वेट को ऊपर लाना है। एक और बात, वेट को ऊपर सिर्फ अपने ट्राइसेप्स को इस्तेमाल कर लाना है, पूरे बॉडी को ना हिलाइए, मोमेंटम यूज मत करिए। इससे आपको अपने ट्राइसेप्स पर कुछ फील नहीं होगा और वो ग्रो नहीं करेंगे। और आखिरी बात है जो आपको ध्यान में रखना है कि जब आप वेट को ऊपर ले आते हो तो आपके आर्म की दिशा सीधा ऊपर की ओर नहीं होना चाहिए, उसको हल्के से एंगल पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो सीधा ऊपर की तरफ फेस कर रहा है तो आपके ट्राइसेप्स ज्यादा काम नहीं कर रहे उस वेट को वहां रखने के लिए। तो इसलिए हल्का सा पीछे ले लो और आपको एक सेकंड में अपने ट्राइसेप्स फील होंगे। दूसरा एक्सरसाइज है केबल पुश डाउन। अब ये बहुत लोग गलत करते हैं, एक सिंपल बार अटैचमेंट लो, उससे आपको सबसे अच्छा फील आएगा आपके ट्राइसेप्स पर, खासकर कि आपकी लॉन्ग हेड पर जिसको हम सबसे ज्यादा फोकस दे रहे हैं। ये करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लोग बेकार में इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सिर्फ अपनी एल्बो जॉइंट को मूव करना है, आपके जो एल्बोज है वो आपको अपने शरीर के पास रखना है, ज्यादा बाहर नहीं लेके जाना है। उससे आपका चेस्ट भी ट्रेन होगा जो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ट्राइसेप्स पे फोकस करना है। वेट को नीचे लाकर वहां एक सेकंड होल्ड करो और महसूस करो अपने ट्राइसेप्स को काम करते हुए, और उसके बाद धीरे से ऊपर लाना है। अब वेट को ऊपर लाते टाइम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग कि वो आधे में उसको रोक देते हैं और फिर से नीचे ले जाते हैं। आपको अपने आर्म्स पूरे ऊपर तक लाने हैं जितना हो सके, और उसके बाद फिर से नीचे लेके जाना है। इसे हम फुल रेंज ऑफ मोशन कहते हैं और हर एक मसल को ऐसे ही ट्रेन करना है। एक और बात ध्यान में रखें कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एल्बो जॉइंट को मूव करना है, बाकी पूरा शरीर एक जगह पे रुका हुआ होना चाहिए। ज्यादा मोमेंटम यूज मत करना, इससे आपको अपने ट्राइसेप्स फील नहीं होंगे और वो ग्रो भी नहीं होंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।